ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा द्वितीय के हिंदी विषय के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम प्रथम पाठ स्वर व्यंजन से शुरू करेंगे। स्वर व्यंजन की जानकारी आप शुरू से प्राप्त करते आ रहे हैं और स्वरों के विषय में भी आपको अवश्य जानकारी होगी। आज मैं उन्हीं स्वरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तारित रूप से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्वर लिख लेते हैं। आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, हं, रह। ये मूल स्वर हैं जिन्हें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, हं, रह। अब इनमें विस्तारित रूप में हम देखें तो इनको हम मूल दो भागों में बांट सकते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए, जैसे ये हमारा हाथ है और ये हमारी अंगुलियां हैं, लेकिन इन अंगुलियों को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे ये कनिष्का, ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, कोई पूरा मिला के हमारा हाथ और अंगुलियां बनती हैं। उसी प्रकार ये स्वर है अ से लेकर अह तक, लेकिन इन स्वरों को भी हम उच्चारण के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर में बांट सकते हैं। जैसे पहला हमारा स्वर है अ, अ को बोलने में समय कम लगता है, तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में समय कम लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे पहला हमारा स्वर है अ, अ को बोलने में उच्चारित करने में हमें स्वर समय कम लगा, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाया। इसके बाद अगला स्वर है हमारा आ, आ को बोलने में अ से अधिक समय लगा, इसलिए आ क्या है, हमारा दीर्घ स्वर है। अब आगे है ई, ई को भी बोलने में कम समय लगा, इसलिए यह एक ह्रस्व स्वर है। इसके बाद है आगे बड़ा ई, इस ई को बोलने में हमें समय अधिक लगता है, इसलिए यह है दीर्घ स्वर। इसके बाद में उ, इस उ को बोलने में समय कम लगता है, इसलिए यह भी एक ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में है उ, इसको बोलने में इस उ से अधिक समय लगा, इसलिए ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके बाद में आता है री, यह री ह्रस्व स्वर में आता है और एक मात्रा बढ़ने के साथ में यह दीर्घ स्वर में भी आता है। तो यह उच्चारण के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर अ, ई, उ और री, ये हैं ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, री, ये हैं दीर्घ स्वर। अब बचे हमारे नीचे के स्वर। इनमें से यह जो चार स्वर हैं, ये दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए यह स्वर मिश्रित स्वर कहलाते हैं। वह स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे ये ए है, ये अ और ई से मिलकर बना है। अ और ई से मिलकर बना होने के कारण, दो स्वरों से मिलकर बना होने के कारण यह मिश्रित स्वर कहलाया। इसी प्रकार ये ऐ है जो ये अ और बड़ी ई से मिलकर बना है। इसी प्रकार ओ और औ भी ऊ और ऊ से मिलकर बने हैं, इसलिए यह भी मिश्रित स्वर कहलाते हैं। तो आज मैंने आपको इसके बाद बचे अंग और अह, यह
अनुस्वार और अर्धानुस्वार स्वर कहलाते हैं। इनके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम केवल ह्रस्व, दीर्घ और विसर्ग इन तीन स्वरों का पुनः देखेंगे। ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनको बोलने में उच्चारित करने में समय कम लगता है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, क्योंकि इनको बोलने में समय अधिक लगा है। इसके बाद में है मिश्रित स्वर, जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, ऐसे स्वर मिश्रित स्वर कहलाते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये नीचे के ये चार जो स्वर हैं, ये क्या कहलाते हैं? मिश्रित स्वर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर आपको अपने कॉपी में लिखना है, स्लेट पे लिखना है और याद करना है, और ये काम करके, दिनांक लगा के ये काम करके आपको पुनः व्हाट्सएप पर भेजना है।